आज 31 जुलाई 2020 प्रेमचंद के संदर्भ में बातचीत करने को आज हम सब बैठे हैं। मैं 2020 को इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि यदि हम प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि प्रेमचंद का जो रचनाकाल है वो 1907-08 के आसपास से लेकर 1936 तक जाता है। और प्रेमचंद को एक की आज 140वीं जयंती है। पूरा का पूरा समाज चेतना के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर कितना बदला है, आज हम प्रेमचंद की प्रासंगिकता पे बात करते हैं। तो मैं इसलिए 2020 कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रेमचंद को याद करते हैं, प्रेमचंद के संदर्भ में बातचीत करते हैं, तो आप याद रखिए कि प्रेमचंद का रचना काल जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि 1908-07-08 के आसपास से लेकर 1936 तक जाता है। प्रेमचंद ने व्यापक रूप से पूरे समाज के चरित्रों पर कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद की कहानियों में पूरे समाज के चरित्र आते हैं, हर वर्ग के चरित्र आते हैं, हर उम्र के चरित्र आते हैं। और ऐसे ही एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है उनकी, नशा कहानी के परिवेश और इसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। नशा कैसे उस पर तारी होता जाता है, ये एक दिलचस्प वाक्य के जरिए प्रेमचंद हमें बताते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब हर सिंह से अनुरोध करता हूँ। कहानी में जो साधारण लड़का प्रेमचंद से जमींदार से बहस करता है, जमींदारों के जुल्म के खिलाफ, जमींदारों के पाखंड के खिलाफ, वही लड़का जब एक अवसर पाता है जमींदार परिवार में रहने का, तो उसके अंदर वो जमींदारी का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगता है, एक नशा जैसा चढ़ने लगता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जब तक एक साधारण आदमी, एक मेहनत का आदमी अपनी मेहनत को या अपनी ज़िंदगी को सम्मान देना नहीं सीखेगा, तब तक वो दूसरों के अमीरों की ज़िंदगी की नकल करेगा इस कहानी से। और ये कहानी चूँकि वो प्रेमचंद मैं करके लिखते हैं, साधारण आदमी मैं हैं, तो करोड़ों मैं को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम जब जिस तरह से देखते हैं कि नई आर्थिक नीति के बाद जो एक बड़ा मध्य वर्ग सामने आ रहा है, वो उसी तरह से नौधनाढ्य वर्ग या जमींदार वर्ग, या कहिए कि उसके भीतर भी एक राजा जैसा दिखने की जो इच्छा सामने आ रही है, तो प्रेमचंद ने बहुत पहले से पकड़ा था इसको कि साधारण आदमी अगर अपने उस श्रम के सम्मान को नहीं समझेगा या अपने जीवन के असली मूल्यों को नहीं समझेगा, उस पर नहीं जिएगा, तो फिर वो नकल ही करेगा बड़े लोगों की। नीरज, आप कुछ जोड़ें बातचीत में। जी, जैसा इन्होंने कहा वो उस बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ। प्रेमचंद को पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहा जाता है कि जब एक युवती एक सपना देखती है अपने वर के लिए, तो उस स्वप्न में भी वो एक राजकुमार देखती है, कोई बेगार मजदूर नहीं देखती है। तो ये जो चला आ रहा है दौर, ये जो स्वप्न में भी हम राजकुमार मतलब युवतियाँ देखती हैं, वो पैदा कहाँ से हो रहा है? वो पैदा हो रहा है कि बचपन से जो कहानियाँ चल रही है समाज में कि जो अच्छा होगा वो अमीर ही होगा, वो गोरा ही होगा, वो ऊपर ही होगा, तो उसी के कारण हमारे स्वप्न में भी इसका असर हो जाता है। लेकिन आप प्रेमचंद की कहानी देखेंगे, इसके अलावा भी उन्होंने कई कहानी लिखी है, तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी कहानियाँ जो हैं वो निचले स्तर में होती है, वो गरीबों की होती है, जहाँ कमी होती है, ज़रूरत होता है, अभाव होता है। इस कहानी में जो मैं आप पढ़ रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, जो सबसे अच्छा लगा कि जो इंसान मतलब जो कथावाचक है, जो खुद इस बात का दम्भ भरता है कि जमींदार तुम ऐसे हो, वैसे हो, ऐसे हो, वो खुद जब उस परिवेश में जाता है तो वो खुद भी वैसा हो जाता है। मतलब कोई जन्मजात वैसा नहीं है, वो एक लिफाफा है, अमीरी का जो लिफाफा है उसके अंदर जो जाता है वो वैसा हो जाता है। तो आपका स्वभाव, आपका बोलचाल या दूसरों के प्रति आपका जो सत्कार है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है कि आप किस स्टैंडर्ड में हैं। आप अभाव में हैं तो आपके स्वभाव में जो है मधुरता रहेगी, झुकने का आपको मिलेगा, दिखेगा आपके रहन सहन में। आप में अमीरी आती है तो आप में एक आडंबर आता है, दूसरों को झुकाने का चीज़ आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा कि यही शायद सारांश है कि आदमी वही रहता है
सिर्फ अमीरी और गरीबी का देखिए फ़र्क कितना हो जाता है कि जब तक वो गरीब रहता है तब तक वो उसको कोसता है, और जब वो उस जगह पर पहुंच जाता है तो वो भी वही गलतियां करता है जो बाकी करते हैं। अपने अपनी बात शुरू की एक राजकुमार के सपने के साथ, तो प्रेमचंद की कहानियों का जो संसार है वो बहुत व्यापक संसार है, और प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों के जो नारी पात्र हैं, उन नारी पात्रों को अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे चरित्र हैं कि जो नारी है वो वैभव के प्रति लालायित थे। एक सामान्य तौर पे जो समाज की स्थिति है और समाज का चित्रण करते हुए प्रेमचंद की बहुत सी नायिकाएं ऐसी हैं, बहुत से नारी पात्र ऐसे हैं जो कि वैभव के प्रति लालायित हैं। मुझे शायद सुखदा एक चरित्र है, तो वो वैभव के प्रति उस तरीके से लालायित हैं, उन गहने और तमाम तरह की जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनके प्रति वो लालायित हैं, लेकिन वो जीवन के प्रारंभिक काल में जब तक उनका उनकी वैचारिक तैयारी नहीं होती, एक साधारण सी लड़की है जो अपने ससुराल आती है, वो अपने पति से अपने तमाम लोगों के साथ, वहाँ भी उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उसको सज धज के रहना है, उसको गहने पहनना है, तो इस तरह की जो कंडीशनिंग जो नारी पात्रों की एक समाज में है, तो वो उस तरह की कंडीशनिंग से गुजरती हुई उसका विकास होता है प्रेमचंद की कहानियों में, और फिर वो होता ये है कि अंत में वो वैचारिक स्तर पर मजबूत होती है और फिर घर से बाहर निकलती है, समाज के संघर्ष में शामिल होती है। ये प्रेमचंद की नारी पात्रों का एक चरित्रण है जो आपके उस कथन से मुझे याद है। अब इसके बाद पर्टिकुलर इस नशा कहानी में जिस तरीके से एक चरित्र पूंजी के साथ बदल रहा है, वो जो उसके बदलने की जो यात्रा है, इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि पापा आप बात को आगे बढ़ाएं, वर्तमान परिवेश और संदर्भ से जोड़ते हुए। कई आयाम है, कई वो कोण से हम देखेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि जो ईश्वरी प्रसाद है जो जमींदार का प्रतिनिधित्व कर रहा है मात्र, वो जब अपने दोस्त को अपने साथ गांव ले जाता है अपनी जमींदारी में, तो ये मान के चलता है कि एक जमींदारों का जो अमला है वो इसका कतई अभ्यास नहीं है कि एक साधारण कोई आदमी है उसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करें जैसे वो अपने मालिक जमींदार के साथ किया करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। इसलिए ईश्वरी प्रसाद अपना दोस्त जो है उसकी जो ओरिजिनल पहचान है उसको छुपा देते हैं और वो एक प्रोजेक्ट करते हैं कि ये भी बहुत बड़े एक जमींदारी के मालिक हैं और चूंकि गांधी जी के फॉलोअर हैं इसलिए उन्होंने उस तरह से पहनना ओढ़ना और ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। तो ये एक जो प्रोजेक्ट किया उसकी पहचान छुपा करके एक दूसरी पहचान अमले को बतलाता है, तब वो अमला जो है उसके लिए स्वीकार जो होता है, तब उसकी उसी तरह से सेवा करते हैं जैसे एक जमींदार या एक युवराज की सेवा करते हैं। तो इस बीच जब उसकी इतनी सेवा होती रहती है तो वो जो ओरिजिनल जो पात्र है उसका जो मन है जो बना हुआ है वो धीरे धीरे उसमें एक नशातारी होता जाता है, अपने को भी उसी लेवल का समझने लगता है और जब वो लौटता है वापस
तब भी वो नशा उस पर उसी तरह से जारी है, भले ही थर्ड क्लास के डिब्बे में है जहाँ और दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ उसी जमींदार के ठसक के साथ, नशे के साथ बैठा हुआ है और उसको बहुत बुरा लगता है कि साधारण किसान और ये उसके सामने खड़े हों और ऊपर पोखरी टंगी हुई है उससे टकराए, तो वो बहुत नाराज होता है और किसान को धक्का भी देता है। तो ये कहानी का चरण, अंतिम चरण है। तो किस तरह से नाम को छुपाने के बाद एक नकली सेल्सियस को पात्र बना करके अमले के साथ आता है, क्योंकि अमला भी वैसी है। एक मजेदार बिंदु इसमें ध्यान देने लायक है कि उसी अमले में से एक कोई ठाकुर चुपचाप उसके पास आकर के यानी बोलता है कि देश आज़ाद होने वाला है, जमींदारी भी ख़त्म होगी, ऐसा सुन रहे हैं, ये जमींदार लोग बहुत अत्याचार करते हैं, यानी मतलब वो लोग भी अत्याचार सह रहे हैं लेकिन उनकी सेवा करने के लिए वो बाध्य हैं, लेकिन ऐसा चाह रहे हैं कि जमींदारी ख़त्म हो और हमको भी थोड़ी बहुत ज़मीन का टुकड़ा मिले ताकि हम भी अपने जीवन को नए ढंग से शुरू करें। तो एक तो नशा का तारी होगा, दूसरा उसी हमले के बीच जमींदारी के खिलाफ एक विद्रोह का भी भाव है जो बहुत दबे ढंग से उसके पास पहुँचता है। ये बहुत मजेदार प्रसंग है। तो इस तरह से ये जो कहानी है उसके कई आयाम हैं। और मैंने वही कहा था कि बदलता हुआ आदमी जो है, एक नशा कैसे उस पर धन का धीरे धीरे तारी होने लगता है और उसकी उसका चरित्र बदलने लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रेमचंद के रचना काल को याद कर रखे हम, और ये प्रेमचंद का रचना काल उस समय जमींदारी प्रथा अपने चरम पर थी और धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ जमींदारी प्रथा भी टूटती चली गई और जमींदारों के हालात भी बदलते चले गए इसके बाद। लेकिन जो एक आज़ादी के बाद एक नए किस्म के जमींदार चरित्र से और चेतना से उसी स्थिति में है, और जिस तरह इसके बाद जो समाज में चेतना के स्तर पर अगर आज भी हम देखें तो हम क्या बदलाव पाते हैं हर्ष? चेतना के स्तर पर बहुत ही नकारात्मक स्थिति है। हमारी समृद्धि जो है भौतिक समृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन जो श्रम को सम्मान देना या अपने ज़िंदगी को एक स्वाभिमानी तरीके से जीना, इसका हम निरंतर ह्रास पा रहे हैं, कमी पा रहे हैं उसमें। तो ये जो बाद में जो शिक्षा शास्त्रों में आया कि साधारण आदमी या उत्पीड़ित आदमी भी जब अवसर पाता है तो उत्पीड़क बन जाता है, वो स्थिति इसलिए हो रही है कि हमारे अंदर में वो जो क्लास की जो समझ थी या जो उसका जो एक ऐतिहासिक संदर्भ था शोषण का, वो हम समझ में नहीं आया। और इसी एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जब अवसर बताया गया कि सबको अवसर की समानता है, और जो चालाक लोग थे, जो होशियार लोग थे, उन लोगों ने उन अवसरों को अपने आजमाया और एक ताकतवर पोजीशन में आ गए, तो उन्होंने फिर अपने पीछे वाले लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जो पुराने ज़माने में जमींदार और राजा महाराजा करते थे, बल्कि कहीं कहीं तो उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति आ गई। आज की तारीख में हम देखते हैं जब कोरोना की जो महामारी फैली, तो जिस तरह से लाखों लाख मजदूरों ने जब पलायन किया, तो संवेदना के रूप में एक नकारात्मक नपुंसक किस्म की संवेदना ही दिखाई दी, जो कोई उनकी मदद इस तरह से नहीं कर पाया। तो ये दिखाता है कि समाज लगातार संवेदन शून्यता की तरफ जा रहा है, और ये एक गंभीर समस्या है कि हम प्रेमचंद की कहानियों से उस तरह से अपने समाज को खड़ा नहीं कर पाए जैसे हमें खड़ा करना था। प्रेमचंद के कथा साहित्य का जो कथ्य है, जो जैसा कि
हम जानते हैं कि वो 1905 से लेकर 1936 के आसपास तक का जो कथा साहित्य था उनका पूरा का पूरा कथ्य है, और सिर्फ पे नहीं हम सिर्फ कथ्य पे ही बात करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो कथ्य है उसमें जो सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जाति प्रथा है, आज़ादी की लड़ाई है, सांप्रदायिकता है, समाज में अछूतों की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, इन सारे विषयों पे प्रेमचंद ने अपनी कलम चलाई है। नीरज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो सारे के सारे संदर्भ जो प्रेमचंद के कथा साहित्य में कथ्य के रूप में उस दौर में मौजूद हैं, उनमें और आज के दौर में ये जो सारे के सारे मसले हैं हमारे सामने, आप पाते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है या वो जस के तस है? नहीं, मैं तो ये पाता हूँ कि शायद उसका नाम बदल गया है, लिफाफ बदल गया है, पर चीज़ वही है। देखिए, ज़मींदार जो पहले हुआ करते थे उनके पास ये थी कि उनके पास ज़मीनें बहुत थी। अभी क्या हो गया है कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ज़मीन खरीद सकता है। तो फ़र्क क्या आया, मतलब पहले भी कुछ लोग के पास ही ज़्यादा ज़मीन थी और अब भी कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा ज़मीनें हैं। मैं ये ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं देश का नागरिक हूँ और हवा और पानी मेरे हक की है, तो इस देश में कहीं ना कहीं एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा मेरे लिए भी होना चाहिए, पर हकीकत ये कि मुझको ये खरीदना पड़ेगा। तो ये जो खरीद है ये अमीरों के साथ, एक ऊपर वर्ग के साथ तो आसानी के साथ बैठ जाता है, लेकिन जो नीचे है उनके साथ नहीं बैठता है। तो जो समस्या पहले किसानों के साथ थी ज़मींदारों के विरुद्ध, वो आज भी हमारे साथ है। अभी देखिए, कई आंदोलन जो हैं वो ज़मीनों को लेकर ही होते हैं, चाहे जंगल में देख लीजिए, फैक्ट्रियों के कारण देख लीजिए, या किसी रोड के कारण जो विस्थापित होते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ज़मीन का विवाद अभी भी है जो पहले था। हाँ, पहले ज़मींदार के वर्सेस था, अभी इसके नाम कुछ बदल गए हैं, पर वो संघर्ष अभी भी है। कोई खास परिवर्तन मैं नहीं देखता हूँ कि उस दौर और इस दौर में अब रहा है। जो कथ्य के तौर पे जो चुनौतियाँ उस वक्त प्रेमचंद के सामने थी वो लगभग लगभग है, 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 तो सारी चुनौतियाँ हैं, है, अभी भी है, उससे भी भयानक रूप में, भयानक रूप में है। पापा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मध्यम वर्ग आज़ादी के बाद से बहुत तेजी से इस देश में तैयार हुआ है, और विशेषकर पब्लिक सेक्टर के साथ एक मध्यम वर्ग जो है इस देश में तैयार हुआ है, आप इस पूरे संघर्ष में मध्यम वर्ग को कहाँ पाते हैं या उसके चरित्र को कैसे आंकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी किस ढंग से निभा रहा है? बहुत तेजी से बदलाव है, वो प्रेमचंद का जमाना नहीं है, ना वो जमींदारी है, ना उस तरह का दबाव है, बल्कि उस सारे दबावों के खिलाफ एक प्रतिरोध जो है वो दिखाई देता है। निचले से निचले स्तर पर भी लोग आवाज़ उठाते हैं, चिल्लाते हैं, ज़मीन पर भी कब्जा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, उनके खिलाफ कोई जा ही नहीं पाता था। लेकिन आज़ादी के बाद ज़मीन आंदोलन को लेकर के आंदोलन चला और दूसरे आंदोलन चले, मिडिल क्लास भी उसका विस्तार हुआ, वो नई नई नौकरी में आए और बहुत सी संस्थाएं खुली जिसमें वो आए, और धीरे धीरे उनकी स्थिति भी अच्छी होती गई और काफ़ी कुछ परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है, और बहुत से नए नए कानून बने, एक बने बॉन्डेड लेबर एबॉलिश एक्ट बना, डेली वेज एक्ट बना, और दूसरे बहुत से एक्ट बने जिससे मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को भी उससे काफ़ी लाभ मिला, और वो लाभ उठाते भी रहे और आज भी उठा रहे हैं, और वो संघर्ष चल रहा है। ये एक अलग बात है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि जो नियम कानून जो बनाए गए थे निम्न वर्ग के लिए, धीरे धीरे उसको फिर से सीज किया जा रहा है और चीज़ें रिवर्स होने लगी, और आज की जो सरकार है वो नौ उदारवादी सरकार है, और उदारवादी जो सरकारें हैं
जो लोक कल्याण के लिए काम करती थी और उसके हिसाब से नियम कानून बना करके सुविधाएं दिया करती थी, उसमें कर्टेल हो रहा है। और हमारे ग्रास रूट पे जितने भी मूवमेंट चल रहे थे वो सारे मूवमेंट जो हैं वो कुछ ले जा रहे हैं। तो ये जो नौ दारीकरण का दौर है जिसमें मैंने फिर से एक निजीकरण का दौर चल रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ धर्म का तत्व तो भी जुड़ गया है। एक सामंती युग में लोगों को दबाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए जो धर्म का उपयोग किया जाता था, उस धर्म का उपयोग इस नौ अर्थव्यवस्था के दौर में भी हम देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ लोगों के बीच भी एक संघर्ष तो जारी है, लेकिन नए तरीके से कई तरह से वो संघर्ष अब सामने आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसी से ही कोई रास्ता निकलेगा। ये नहीं कहना चाहिए कि प्रेमचंद के समय में और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत फर्क हुआ है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, एक प्रचुरता का समाज है, लोगों तक खाद्यान्न भी पहुँच रहा है, दो समय तक लोगों के चूल्हे भी जल रहे हैं। ठीक है कि बहुत से लोग इससे छूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी योजना है। तो चलिए इसी उम्मीद पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, और धन्यवाद।